सिंह जी, वेलकम बैक टू माय चैनल नेचुरल ब्यूटी रेमेडीज। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई एक न्यू रेमेडी। मैं बना रही हूँ जी हैंड एंड फुट वाइटिंग स्क्रब, और साथ में इसके बनाओ मैं आपको बनाना सिखाऊंगी हैंड एंड फुट वाइटिंग पैक। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो सकराब बनाने के लिए सबसे मैंने यहां मैंने लिया था साबुत गंदम, उसका मैंने पीस लिया था, आप देख सकते हैं, उसका मैंने सकराब की शक्ल में पीस लिया था। अब इसको मैं डाल देती हूँ एक बाउल में, 1 टेबलस्पून। उसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी फ्रेश मलाई, यहाँ मैं ले रही हूँ यानी कि फ्रेश क्रीम है यहाँ ले रही हूँ। अगर आपके पास दूध की फ्रेश क्रीम है तो आप ले सकते हैं, अगर नहीं है तो आप टेट्रा पैक भी यूज कर सकते हैं। यहाँ मैं डाली 1 टेबलस्पून। उसके बाद इसमें मैं ऐड करूंगी हल्दी, सिर्फ मुझे इतनी ही चाहिए, 1 पिंच। उसके बाद इसमें मैं ऐड करूंगी बेसन, बेसन मुझे चाहिए 1 टेबलस्पून। अब मैं इसको कर लेती हूँ जी अच्छे से मिक्स। अब मैं इसमें डालूंगी रोज वाटर, अगर रोज वाटर नहीं है तो आप इसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं। यहां मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून रोज वाटर। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूं ताकि सारी चीज एक जान हो जाए। सकराब हो चुका है जी रेडी। बहुत सारे लोग ऐसे शिकायत करते मिलते हैं कि हमारे फेस तो नीट हो जाता है लेकिन हमारे हाथ पैर बहुत डल हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज्यादा यूवी रेस की वजह से हम अपनी नेचुरल स्किन खो रहे हैं, हम अपना नेचुरल कलर खो रहे हैं। तो हम ऐसे ही नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी स्किन का कलर वापस ला सकते हैं। बहुत सारे लोग शिकायत करते मिलते हैं कि हमारा कलर डल हो चुका है जी, हमारी स्किन डैमेज हो चुकी है, हमारी स्किन बिल्कुल टैनिंग हो गई है हमारी स्किन पे। तो आप ये ज़रूर यूज़ कीजिएगा, ये बहुत ही इफेक्टिव है। इसमें अल्फा बायोटिन है जो कि एक चेरी में पाया जाता है, चेरी तो बहुत महंगी है, तो उसके अल्टरनेटिव मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ गंदम। ये सब तो घर पर ही मिल जाता है, हमें किचन में ही मौजूद होता है। यहाँ मैंने डाला है जी गंदम, गंदम का मैंने इसको पीस लिया था मिक्सी में डाल के। उसके बाद इसमें मैं ऐड किया था 1 पिंच ऑफ हल्दी यानी कि टर्मरिक। उसके बाद इसमें ऐड किया था मैंने ग्राम फ्लोर, और मैंने फ्रेश क्रीम इसमें ऐड की थी। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप इसमें बाजार से टेट्रा पैक लेके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने करना क्या है, आपने अपने हाथों पे, पैरों पे, अपने फुल बॉडी पे अपने इसको अप्लाई कर सकते हैं, जहां जहां पर भी आपको टैनिंग है, आपके कलर डल हो चुके हैं, अपने फेस पर भी आप ये स्क्रब कर सकते हैं। आपने करना क्या है, इस स्क्रब को आपने 15 से 20 मिनट के लिए अप्लाई किए रखना है अपने हाथों पे, 10 मिनट के लिए आपने अप्लाई करना है, और 10 मिनट के लिए आपने इसको स्क्रब करना है, मसाज करते जाना है, और अपने मसाज करते हुए अपने हाथों से उतारना है। आप देखेंगे एक दफ़ा के इस्तेमाल से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, आपकी स्किन से टैनिंग खत्म होना शुरू हो जाएगी। तो आप ये रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। आप अगर अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो आप हफ्ते में इसको 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ ले लिया एक बाउल, उसमें मैं ऐड कर दूंगी मलाठी पाउडर, ये इस पैक का मेन इंग्रेडिएंट है, 1 टेबलस्पून। उसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून बेसन। उसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 पिंच ऑफ टर्मरिक यानी कि हल्दी। उसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून जौ का आटा, आप चाहें तो गंदम का आटा भी ले सकते हैं। उसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ दही, हमें इसको दही के साथ ही बनाना है, 2 टेबलस्पून। ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें और भी ऐड कर लेंगे। हमें एक फेस, ये हमें पैक की तरह चाहिए, बिल्कुल भी थिक नहीं चाहिए, ताकि अच्छे से अप्लाई हो सके। इसमें और ऐड कर देती हूँ दही,
पैक हो चुका जी हमारा रेडी, आपने करना क्या है? पैक हो चुका जी हमारा रेडी, आपने करना क्या है? आपने स्क्रब करने के बाद इस पैक को 15 से 20 मिनट के लिए अपने हाथों पे लगा के छोड़ देना है। जैसे आपके ये पैक ड्राई हो जाए फिर से आपने रोज़ वाटर के साथ उसको स्प्रे करके गीला कर लेना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको आधा घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। ये इंस्टेंट आपको रिजल्ट देगा इंशाल्लाह। आपकी स्किन एक दफ़ा के इस्तेमाल से आपकी स्किन निखरी निखरी बहुत शाइन वाली नज़र आना शुरू हो जाएगी। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। जैसे एक ब्लीच का इफेक्ट होता है ऐसे ही आपको इफेक्ट देगा। इसमें बेसन है, इसमें हल्दी है, इसमें मुलाठी का पाउडर है यानी कि लिकोराइस है, इसमें है जौ का आटा जो आपको वाइटिंग इफेक्ट देगा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आप फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, अपनी फुल बॉडी पे जहाँ जहाँ आपको टैनिंग है आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप स्क्रब करेंगे। अगर आप फुल बॉडी पे स्क्रब करना चाहते हैं तो आप स्क्रब को बना के जब आप बाथ लेने जाएं तो आप बाथरूम में ले जाइए तो अपनी फुल बॉडी पे स्क्रब कीजिए। आपने 5 से 10 मिनट के लिए तकरीबन फुल बॉडी पे स्क्रब करना है, फिर आप उसके बाद ये मास्क अप्लाई कर ले तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको आज की ये रेमेडी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।